नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज मैं आई हूँ रानी सती दादी की एक स्टोरी लेके। श्री लाडो बाई नानी रानी रानी सती का 737वां जन्म उत्सव शनिवार को सिलीगुड़ी स्थित रानी सती मंदिर गंगानगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दादी को भोग लगाया गया और भक्तों में प्रसाद भी वितरित किए गए। साथ ही मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। इस दौरान महिलाएं भजनों में झूमते हुए भी दिखी। इस कार्यक्रम के संयोजक दिलीप बंसल ने बताया कि इस बार रानी सती दादी का 737वां जन्मोत्सव है। जितनी जन्मोत्सव होती है उतने ही दीप जलाए जाते हैं। साथ ही एक महिला ने कहा कि आने वाले दिसंबर महीने में रानी सती दादी की विवाह उत्सव मनाई जाएगी, जिसमें दादी का सिंदूर से अभिषेक किया जाएगा और लगभग 125,000 जवा के फूल भी चढ़ाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ की कुछ स्वर्णिम झलकियाँ। भगत की माँ से शिकायत, वो भगत क्या शिकायत करता है? अरे जिनको जिनको सेठ बनाया वो क्या रिश्तेदार जी, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। Oh,
भगत दादी मैं यदि क्या कहता हूँ जिनको जिनको सेठ बनाया अल्लाह वही बचाते हैं, जिनको जिनको सेठ बनाया अल्लाह वही बचाते हैं, जिनको क्या कुछ आए हैं अपनी क्या हमें दिखाते हैं, जिनको क्या कुछ आए हैं अपनी क्या हमें दिखाते हैं। आज दादी का जन्मदिन है, रानी सरी दादी का 737वां इनका जन्मोत्सव है। आज का दिन इनका जन्म हुआ था, इनको हम लोग वो जैसे इनका जन्मदिवस के हिसाब से इनके जितने साल हुए हैं उतने सालों का हम लोग प्रदीप जलाते हैं, मैया को भोग लगाते हैं और जितने भक्त आते हैं उनको भी प्रसाद वितरण होता है, भजन कीर्तन जी हर साल। नेक्स्ट ईयर जैसे फिर 738वां हो जाएगा, इसके पहले 736वां था, हर साल बढ़ रहा है एक एक साल। यहाँ पर लोकल आसपास डुआर्स एरिया है, हिल है यहाँ और लोकल सिलीगुड़ी में तो सब जगह से ही, और प्रोग्राम में भजन कीर्तन है, मैया का फूलों का श्रृंगार है, उसके बाद में आपको मैया का दीप प्रज्वलन है और ज्योत प्रज्वलन है, मैया का प्रसाद है, भंडारा है। आगे हम लोग सब यही कहते हैं कि दादी माँ सबकी माँ है, जो भी हम लोग की कुल की एक्चुअल में कुल में सती हुई थी, सती माता हम लोग की कुल देवी है। तो जितने भी हम लोग कुल वाले हैं सबसे अनुरोध यही रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपनी दादी का जन्मोत्सव मनाएं और इनके साथ जुड़ें। मेरा नाम दिलीप बंसल है, मैं रानी सती भजन मंडल का सदस्य हूँ और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसका मैं कार्यक्रम संयोजक हूँ। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को तो बहुत आनंद आता है, दादी का जन्म उत्सव है, दादी का जन्म उत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, आप सब भी मनाइए, आप सबको मतलब आने से दादी की अभी जो कलयुग में मतलब प्रचार हो रहा है दादी का, उसको सब जगह हम लोगों को भी प्रचार करना है। हम लोग जैसे एक जन को बताते दूसरे को बताते दूसरे तीसरे को बताए, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से के साथ में मैसेज जुड़े हुए हैं दादी परिवार से हम लोग अपने। रानी सदी दादी का जन्म उत्सव है, तो ये दादी का उत्सव जो है, दादी जो कलयुग में अवतार ली है उनका प्रचार है। तो ये सती बनी, इनका घर घर में पूजा होता है और जो भी पूजा करता है मन भाव से शक्ति भाव श्रद्धा से जो भी करता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैसेज यही देना चाहते हैं सब, रानी सती दादी को घर में स्थापना करिए, घर में पूजा करिए, उनकी उनकी तस्वीर बिठाइए, प्रेम से श्रद्धा से पूजा करिए और मंदिर में जो भी प्रोग्राम होता है सब आइए। और 15-16 दिसंबर को जो प्रोग्राम है रानी सती दादी का विवाह उत्सव का, 1.25 लाख जवा फूल चढ़ेगा, सिंदूर का अभिषेक होगा, उनमें सभी आइए, सब पधारिए, हम लोगों को सहयोग दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर, धन्यवाद।